नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। खुफिया सूत्रों को टीवी रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि पुलवामा हमले के मुख्य आरोपी संसद हमला, पठानकोट हमले जैसे कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजी से जानकारी वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि मसूद अजहर की किडनी फेल हो चुकी है और वह नियमित डाइट्स पर है। शनिवार को एक शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि मसूद का पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रावलपिंडी में ही पाकिस्तान सेना का मुख्यालय भी है। बताया जा रहा है कि उसका इलाज पाकिस्तान सरकार की निगरानी में हो रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बयान में कहा था कि जैश का सरगना बीमार है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के जिम्मेदार मसूद अजहर के संगठन जैश ने ली थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हुई थी। इसके बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पंत पर पहुंच गया था। कुरैशी ने गुरुवार को कहा था कि मुझे जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में है, वह इस तब बीमारी में घर बोल रहा है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।